मेज़बान मोहम्मद एहसानुल हक आजिज कादरी। आज हम मौजूद हैं जामिया मोहम्मदिया सैफिया, जो कि सिलसिला सैफिया के जो बुज़ुर्ग हैं उनका जो मरकज़ है, यहाँ पर सैयद वाला रोड पर ये वाक़ है। और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि जनावाला से निकलते वक्त मैंने मुख्तलिफ मनाजर आपको दिखाए, लेकिन मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा पहले कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम जा रहे हैं इस वक्त पीर मोहम्मद गौस अल मारूफ बाला पीर सरकार, जो कि ओकाड़ा ज़िला के अंदर वो वाक़ हैं। हाँ, वहाँ पर जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो ये आस्थाना की जो झलकियाँ हैं वो भी आपको दिखाते चलें, और यहाँ से हम आपका प्रोग्राम अपना जो है वो उसका आगाज़ करते हैं। कल 10 मुहर्रम को यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, आप सब उसमें शिरकत भी कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। हम आपको लेकर चलेंगे बाला पीर दरबार शरीफ तक, आप हमारे साथ रहिएगा। आइए आगे का सफ़र शुरू करते हैं।
हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि ये वो इलाका है जहाँ पर लोक दास्तान एक मशहूर हुई है मिर्ज़ा साहिबा। तो ये मिर्ज़ा साहिबा, इनका ताल्लुक जड़ावाला के नवाही इलाका दानाबाद से था। ये हम इस वक्त जो है ये वो दानाबाद के करीब से गुजर रहे हैं और ये सैयद वाला रोड पर जा रहे हैं। हमने चाहा कि चलो आपको ये इसका भी तारफ़ करवा दें कि ये मिर्ज़ा साहिबा जो है लोक दास्तान जो हमारे यहाँ मशहूर है वो उनका ताल्लुक जड़ावाला से था। तो हमें अभी बाला पीर सरकार आपको लेके जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह बाला पीर जाकर दुआएं मांगेंगे अल्लाह के हुजूर और अल्लाह से इंशाल्लाह अल्लाह के वलियों के सदक़े से दुआएं मांगी जाती हैं तो वो रद्द नहीं की जाती। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए, हमारे साथ रहिएगा। हो सकता आप उधर भी चक्कर लगाओ, जब आप बार बटन गए थे ना तो उधर भी मिले हैं, पर हैं अब बार बटन गए तो उधर ना मिले थे जो ना कुछ यार। नाज़रीन इस वक्त हम आ चुके हैं सैयद वाला दरिया के ऊपर, दरियाए रावी के ऊपर। हमने आपको रास्ते में बड़े मनाजर दिखाए ताकि आप मनाजर से लुत्फ़ होते हैं। यहाँ से आगे जाकर दरिया से हम जब पार जाएंगे तो दरिया का पार वाला जो रास्ता है वो एक जिग जैग टाइप का बड़ा ज़बरदस्त, एक अजीब सा बड़ा, मुझे तो बहुत लाइक, मैं तो उसको रास्तों को करता हूँ, कभी इस तरफ जा रहे हैं कभी इस तरफ जा रहे हैं, रास्तों में खेत खलिहान और बड़े ज़बरदस्त मनाजर वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह हम बाला पीर सरकार जाकर दुआ भी करेंगे और आपकी भी दुआ करेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, आपको हम दरबार करवाएंगे और इंशाल्लाह वहाँ पर किसी जो ज़ायरीन आए होंगे हम उनसे भी आपको गुफ्तगू करवाएंगे, उनसे कुछ पूछने की कोशिश भी करेंगे और इंशाल्लाह दरबार के बारे में आपको मालूम भी पहुँचाएँगे, आप हमारे साथ रहेंगे। ये दरियाए रावी के आप मनाजर देख रहे हैं,
इस वक्त चूँकि पानी हर तरफ से छोड़ा हुआ है, इंडिया ने खासकर पानी ये छोड़ा हुआ है और ये इंडिया हमेशा ही इस तरह की बेगैरतियाँ करता रहता है कि जब वो पानी उसकी तरफ ज़्यादा आता है तो वो अचानक हमारे दरियाओं में पानी छोड़ देता है। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। दरियाए रावी समेत दरियाए सतलुज, दरियाए चनाब और दरियाए सिंध, दीगर जितने भी दरिया हैं सब भी इसी तरह सैलाब हैं। बरकत अभी हम चल रहे हैं बालापुर सरकार, आप हमारे साथ रहेंगे, आइए आगे चलते हैं। सैयद वाला पुल के आगे जाकर हमें कुछ रास्ता जो है ये कच्चे दरिया में ये चलना पड़ता है। ये हम इस वक्त दरिया का जो कच्चा हिस्सा है उसके अंदर चल रहे हैं। यहाँ पर भी ज़रूरत है कि ये थोड़ा सा टूटा है, हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर भी कोई सड़क तामीर कर दे तो ये आने जाने वालों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। बरकर काम तो चल रहा है, ये भी बहुत है कि हुकूमत ने जितना वो पुल बना दिया है मैं समझता हूँ कि वो भी बड़ा कारनामा है, लेकिन ये साबका हुकूमत का कारनामा है। ये मियां नवाज शरीफ के दौर का ये पुल बना हुआ था और अब ये बाकी का जो रास्ता है अब ये देखें किसके दौर में बनता है। और वो पुल बनने में भी बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ तो फिर जाके पुल बना। और यहाँ पर आपने सुना भी होगा कि बहरी बेड़ा जो था यहाँ पर वो दरिया के अंदर कश्ती चलती थी वो भी वो पानी के अंदर बह गई थी और बहुत सारी जाने, सैकड़ों जाने जो थी वो उसमें ज़ाया हो गई थी। फिर जाकर कहीं हुकूमत को ये ख्याल आया था कि यहाँ पर पुल बनना चाहिए। बरकत देर आए दुरुस्त आए, चले वो जो जिन्होंने जाने कुर्बान कर दी हमारी सहूलत के लिए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनकी वजह से चले। ये पुल तो बन गया लेकिन ये दूसरा जो बाकी का कुछ हिस्सा है ये भी अब बनना ज़रूरी है कि यहाँ पर सड़क तामीर की जाए ताकि आने जाने वालों के लिए मज़ीद आसानी हो सके। ये आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले किस अंदाज़ से काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है इनको आने जाने में और काफ़ी प्रॉब्लम के साथ ये सफ़र करते हैं जो यहाँ पर जा रहे हैं। ये मोटरसाइकिल स्लिप हो रही है और ये मोटरसाइकिल यहाँ पर रेत में चलाना इतना आसान भी नहीं होता। रेत में मोटरसाइकिल चलाना ये ज़रे बड़ा वो समझ लें कि खिलाड़ी ड्राइवर होना चाहिए। तो फिर ज़हीरत तारी साहब माशाल्लाह मेरे साथ ट्रैवलिंग कर करके ना अब माशाल्लाह ज़बरदस्त ड्राइवर बन गए हैं, वो काफ़ी अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं ज़हीर साहब भी, हम आपको आगे लेके चलेंगे। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले हमें मस्जिद देखने को मिलती है, लेकिन अल्लाह करे कि ये मस्जिदें आबाद करने वाला हमारा जहन बन जाए, मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ने वाले हम बन जाएँ। मस्जिद तो हमें नज़र आ जाती है लेकिन हर जगह मस्जिदों में नमाजियों की जो सहूलत है, नमाजियों की जो तादाद है वो तशवीशनाक हद तक कम नज़र आती है। अल्लाह कह रहे कि हमारी मस्जिदों में हमारे नमाजी बढ़ जाएं। ये दरियाए रावी से बाहर निकल रहे हैं हम, दरिया रावी से निकलने से के साथ ही हमें मस्जिद की ज्यारत होगी, अल्लाह के घर की ज्यारत होगी। वो आगे के रास्ते हम आपको दिखाएँगे कैसे ज़बरदस्त रास्ते हैं, बहुत खूबसूरत रास्ते हैं। और जामिया मस्जिद शेर रब्बानी, ये जो मस्जिद अभी गुजरी है ये जामिया मस्जिद शेर रब्बानी के नाम से है, शरफपुर शरीफ आस्थाना के मानने वालों ने यकीनन ये बनाई होगी। अल्लाह अज़्ज़ वजल मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदके हमारी बख्शिश फरमाए, हमारे अल्लाह ताला उनके बरकत से हमारे तमाम नेक हाजात पूरी फरमाए। और मेरे नाज़रीन जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, ये जगह जगह पानी की सबीलें भी लगी हुई हैं माशाल्लाह। ये नन्हे नन्हे बच्चे हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के लिए ये सबीलें लगा के खड़े हैं। जहाँ से हम चले हैं, जब से चले हैं तकरीबन को 20 से 25 सबीलें अब तक मुझे नज़र आ गई हैं कि जो बच्चों ने लगाई हुई हैं और जग पकड़ कर ये सड़क के ऐन दरमियान में खड़े होते हैं। अल्लाह इनका ये
हुसैनी लंगर अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह इस हुसैनी लंगर के सदके इनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। हम आपको आगे लेके चल रहे हैं बाला पीर सरकार इंशाल्लाह। रास्ते में एक बहुत आलीशान दरबार शरीफ आएगा, लशारिया शरीफ, हम उसकी भी आपको ज़्यारत कराएंगे, जो कि तकरीबन 300 साल पुराना दरबार शरीफ है लशारिया शरीफ, हम उसकी भी इंशाल्लाह आपको ज़्यारत करवाएंगे। आपने बस हमारे साथ रहना है। नाज़रीन, ये फसल जो आप देख रहे हैं इसको चरी बोलते हैं, ये जानवरों के चारे के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल की जाती है। दीगर इसके क्या फ़ायदे हैं इस हवाले से मैं ज़ीरो। ये है धान की फसल है, जो कि चावल की फसल जिसको बोलते हैं, मूंजी भी इसको बोलते हैं। ये मूंजी की फसल आप देख रहे हैं, और ये जो हम अभी दिख रहे हैं ये मकई की फसल है जिसको हम छलियाँ बोलते हैं, और ये जरा फिर मूंजी की फसल जो है वो आपके सामने है, और माशाल्लाह ये खेत लहलहा रहे हैं। जज़ाकअल्लाह बेटा, जज़ाकअल्लाह। सीधे उन्हें सारे ही रखने हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये जो जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये इलाका पीर लशारिया वाली सरकार, लशारिया आस्थाना आलिया, पीर साहब का नाम आपको वो बोर्ड पर नज़र आया, पीर अब्दुल हकीम साहब, तो ये उनके आस्थाने के करीब से हम गुज़र रहे हैं। यहाँ पर जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, जो ख़तीब हैं, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जनाब हाफिज़
जावेद साहब, लेकिन चूँकि इस वक्त हम बालापीर सरकार जा रहे हैं तो वहाँ पर पहुँचना हमारा टाइम से ज़रूरी है। रास्ता ठीक नहीं है इसलिए टाइम से वापस आना भी ज़रूरी है। इंशाल्लाह वापसी पे देखेंगे, अगर हाफिज़ जावेद साहब से हम मुलाकात कर सके तो इंशाल्लाह हम हाफिज़ साहब से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। अगर आप आस्थान आलिया लाशारिया शरीफ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहचान जाना वाला पर पहले से ही हमने वीडियो एक रखी हुई है जिसका नाम रखा था अल्लाह वाले। तो आप उस वीडियो को, तीन हिस्से हैं उसके, आप तीनों हिस्से देखें, आपको वो इस दरबार शरीफ के हवाले से आगाही हासिल होगी। और ये बुज़ुर्ग जो हैं ये 300 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं और साहिब करामत हैं। तो अल्लाह वालों की बारगाह में हाज़िरी देना ये खुशकिस्मत लोगों का हिस्सा है। लाशारिया शरीफ में भी हम हाज़िर हुए थे और अपना प्रोग्राम यहाँ पर किया था और अब बालापीर सरकार इंशाल्लाह हम पहुँच कर आपको वहाँ पर भी ज़्यारत करवाएँगे। नाज़रीन हमें रोड से उतरना पड़ा था और बड़ा चक्कर काट कर हमें दोबारा फिर रोड की तरफ जा रहे हैं हम, क्योंकि रास्ते में अहले तशी हज़रात का कोई प्रोग्राम था जहां पर पुलिस ने वहां पर बाकायदा रोड बंद किया हुआ था और जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारा बड़ा चक्कर काट कर आना पड़ा है। तो ज़ाहिर है कि बुज़ुर्ग जहाँ पर हम जा रहे हैं बालापीर सरकार, यकीनन वो मुशाहिदा फरमा रही हैं और देख रहे हैं कि हम कितनी मुश्किल से उनके दर पर पहुँच रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हमारी मेहमान नवाजी अच्छे अंदाज से ही करेंगे, क्योंकि अल्लाह वाले जो होते हैं ये अपने मानने वालों का कभी दिल नहीं तोड़ते। तो ये काफ़ी लंबा चक्कर काट कर हम आ गए हैं फिर मेन रोड पर और यहाँ से इंशाल्लाह आगे चलकर ज़्यादा रास्ता दूर नहीं है, अब करीब ही है, वहाँ पर इंशाल्लाह दरबार शरीफ पर हाज़िरी होगी और खूब दुआएं भी होंगी अल्लाह ताला की बारगाह में। याद रखिए कि अहले सुन्नत का अकीदा जो है, ये अहले सुन्नत दरबारों पर जाकर ये नहीं कहते कि वो फ़लाँ बाबा जी हमें फ़लाँ चीज़ दे दो, बल्कि मांगते ये अल्लाह से ही हैं, अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन वसीला इन बुज़ुर्गों का होता है कि या अल्लाह इस प्यारे का सदका हमें ये चीज़ अता फरमा दे। और जब अल्लाह के प्यारों का सिलसिले वसीला मांगा जाता है तो अल्लाह ताला कभी भी इनकार नहीं करता, ये इस्लामी तालीमात में शामिल है ये चीज़। अल्लाह ताला बुज़ुर्गों का मानने वाला रखे और इनके दर पर हाज़िरी देने वाला रखे। आप हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह, हम आपको मनाज़र से भी लुत्फ़अंदोज़ करवाते रहेंगे, सफ़र की जो खूबसूरती है वो भी आपको दिखाते रहेंगे। गांव का माहौल जो है मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, मैं गाँव के माहौल को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो गाँव का किसी भी किस्म का माहौल हो वो बहुत प्यारा लगता है। तो मुझे यकीन है कि मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये गांव का जो माहौल होता है ये बहुत अच्छा लगता होगा। तो ये उनके लिए, ऐसे दोस्तों के लिए मैं ये मनाजर कैमरे के में कैद कर रहा हूँ ताकि वो देखें और इस अंदाज़ से, इस मनाजर से ये भैंसें देखना, ये हम शहरियों के लिए एक सौगात होती है, ये भैंसें इस तरह अंदाज से देखना, जा रही हों, चल रही हों, खा पी रही हों, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बड़े ना प्यारे दिलफरेब मनाजर होते हैं। तो ये मनाजर मैं आपके लिए कैद करता जा रहा हूँ कैमरे में ताकि आप देखें
और महजूज़ हों इनसे, और इंशाल्लाह अल्लाह वालों की बारगाह में हाज़िरी भी देने का ज़हन बनता रहे और हम हाज़िर होते रहेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे, बस कुछ देर का तकरीबन 20 मिनट का सफ़र और बाकी है, फिर इंशाल्लाह हम आपको दरबार शरीफ के अंदर मिलेंगे। देखिए पानी अगले चौक जाना सी, उदों भी बारिश हुई सी, हुण भी बारिश हुई है। ये आखिरी मोड़ है नाज़रीन, जो हम मुड़ चुके हैं सरकार वाला पीर सरकार के दरबार की तरफ। ये अब ये रास्ता तकरीबन मेरा ख्याल है कि 8-10 किलोमीटर है जो आगे चलकर हमें दरबार शरीफ तक ले जाएगा। तो ये 8-10 किलोमीटर का जो सफ़र है ये इंशाल्लाह हम करके आपको दरबार शरीफ के अंदर मिलेंगे।